माशाल्लाह जी, मैं सामान वगैरह गिफ्ट वगैरह जो है वो दे दिया है, तो आपके गिफ्ट आपके पास पहुंच गए। हाँ जी। कैसा लगा फिर आपको? बहुत अच्छा। कैसे गिफ्ट कैसे थे? बहुत अच्छे। तो प्यारे प्यारे भाई, जो गिफ्ट जो है वो हमने दे दिया है, मुकम्मल वीडियो आपने देख लिया है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। आपकी दुआओं से व्लॉग जो हमारा हो चुका है स्टार्ट। देखिए डांस कैसे लगा रहे हैं, किस बात की खुशी है? दोनों शुरू हो गए डांस लगा रहे हो। खुशी है, मैं ना घर जा रहा हूँ अपनी बेगम के पास। इससे पता नहीं क्या खुशी है, ये जो है ना अपनी खुशी है। वो बोलते हैं कि मुझे ये खुशी है कि आप घर जा रहे हो। अस्सलाम वालेकुम जी, प्यारे बहन भाइयों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपकी दुआओं से व्लॉग जी हमारा हो चुका है स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट, जो चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो आज का व्लॉग जो है बहुत ही मजेदार होने वाला है, और मुंशी ने कर लिया जी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह घर जाने की। इधर आया था, इन्होंने कहा कि हम घर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, आपने दुआ करनी है कि ये खैर खरिया से पहुंच जावे। और धुंध वगैरह जो है वो भी काफ़ी बनी हुई है, स्मोक वगैरह ये देखें। तो इस वजह से मैं इनको कह रहा था जब धूप हो, मौसम अच्छा हो, फिर आपने जाना है। ये कहता है नहीं, हमने आज जाना है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो सुप्रीम कोर्ट कौन हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट है जी इनकी बेगम। इनकी बेगम ने कॉल किया, उन्होंने कहा आज अगर ना आया तो आपका वो हशर करूँगी, वो हशर करूँगी कि आपने जिंदगी भर वो हशर देखा नहीं। बहुत बड़ी धमकी दे दी है। अच्छा, उन्होंने कहा आज अगर नहीं आए शाम तक यानी कि पेशी शाम तक है, नहीं आए तो फिर इधर नहीं आना, फिर आपकी तबीयत बनाएगी, फिर जो है ना और कोई घर ढूंढना। अच्छा, इधर नहीं आओगे, इधर कदम नहीं रखना। अच्छा, सर आंखों पर। अच्छा हाँ, मैंने कहा उसको, मैंने कहा कि मैं जुत्ती ना पावा तो आ वजह देख चले जी करना पड़ता है क्या। अभी चलते हैं और हम भी तो नहीं है मामा। हम भी कोई नहीं, गलत बात नहीं है। तो चलते हैं, कोई देखते हैं, हिसाब किताब लगाते हैं, और जो भी आज की रूटीन होगी वो आप तमाम बहन भाइयों के साथ शेयर करेंगे। आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, वीडियो बिल्कुल नहीं पैक करनी। और अभी हम जा रहे हैं इधर, क्योंकि नाश्ता वगैरह कर लिया है, चाय वगैरह पी ली है, और मौसम जो है वो इस तरह का है कि अभी तो कुछ गुजारा हो रहा है कि इंसान बाहर निकले कोई चीज़ नज़र आती है, लेकिन सुबह सुबह जब ना कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और इधर बाइक जो है ना ये देखें, ये खड़ी हुई है, ये देखें, ये मुंशी की बाइक है, लगता है ये भी रेडी हो गई है, ये बाइक पे जाएंगे। तो बाइक पे जाना इस धुंध में है काफ़ी मसला, तो क्योंकि हवा वगैरह लगेगी ना, इधर से ठंड होगी, हवा वगैरह लगेगी, तो इस वजह से जो है ना काफ़ी मसला मसाइल जो है ना वो बनेगा। और इधर जो हो रही है तैयारी जाने की, लगता है अल्ताफ भाई वालों की, तो देखते हैं क्या। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम आपको जो ना रजाई के ऊपर से सलाम कर रहे थे। अच्छा, सोया हुआ था? सारे सुते थे। बस वो ही आप रखे ना। तैयारी बन गई क्या? हाँ जी, अभी जा रहे हैं, तो अभी इजाजत इजाजत हो गई, टाइम काफी हो गया, आधा दिन गुजर गया है, तो इसलिए जाना अभी निकलते हैं। वो सतार भाई और वो इमरान चले गए हैं बस पे, उनको बिठा दिया था सुबह, सही, तो अभी हम बस निकलने लगे हैं। चलो अल्लाह पाक खैर खरिया से ले जाए आपको, आमीन, क्योंकि मौसम भी इस तरह का है ना। हाँ जी, आज जो है ना, नहीं अब ठीक हो गया, अब तो ठीक, सुबह तो हाथ निकासी पर थी, बहुत हालात खराब थे, तो अब सुबह जब मैं गया हूँ ना, मैं जीरो की स्पीड से जब रोड पे परली तरफ जाने लगे थे, तो दिल धड़क रहा था कि कोई चीज आग, कुछ नजर नहीं आता था ना। हाँ, तो अभी अभी जो है ना अहमद भाई के पास जो है ना तस्वीरें भी हैं, इधर लियाकतपुर में कोच और सामने लोड रक्षा लगा है, काफी नुकसान हुआ पड़ा था। अल्लाह भाई, ये ऐसे जब मौसम आते हैं फिर हाँ काफी हादसे होते हैं, अल्लाह पाक खैर खरिया से ले जाए। आप भी जा रहे हो क्या? ठीक है अकरम भाई, हाँ तैयारी हम रवाना कर रहे हैं अल्ताफ भाई। अच्छा, वो कहती है हम तैयारी कर रहे हैं, आप कहते हैं नहीं हम तैयारी कर रहे हैं। कब मिलाए थे? मैं तो सोया हुआ था, कैसे मिलाए थे? अच्छा, आपको सलाम भी दिया,
आपके ऊपर खड़े होकर अल्लाह हाफिज भी की, फिर हम चले गए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे जिंदगी बाकी, तो फिलहाल तैयारी है हमारी। चले बैठे जी फिर सारे। ठीक है भाई, ओके। अगर हमसे कोई गलती हो गई, कोई ऐसी बात नहीं, हमारे ऐसा निकल कोई नहीं है, तो हमें माफ कर देना। ऐसा कोई मसला नहीं है, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आमीन, आमीन। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इंसान है, कोई गलती हो जाती है, पता भी नहीं चलता। नहीं नहीं ठीक है भाई, ओके। चलो फिर अल्लाह तकड़ा बंदा ये आधा घंटा हो गया जक्की डाली, अभी तक जक्की है। भाई वीडियो में देखना, वीडियो में जो गेंद बात करो, हम जाएंगे ये कल आ जाएंगे पहली बॉल से देंगे। अपना क्या रहेगा, आपने भी अपना ख्याल रखना। अब बहुत चाचा लगता है, हसन कह रहा है कि मेरे साथ जरा ये देखो हसन। ठीक है भाभी, अल्लाह हसन फिर बैठ गया माशाल्लाह। ठीक है फिर सबको बाय 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 बाय। वो ना सादा हो गया, फिर हसन को साथ ले जाओ। ओए यार हसन कहाँ जा रहे हो, बाय बाय इनके साथ जा रहे हो। ओए हसन इनके साथ जा रहे हो। चलो मम्मा बाय, हमारा प्रोग्राम तो मार गया। सुने तो सुनता भी नहीं। बाय बाय हसन, आ जाओ बाहर। हसन हसन आओ, आसा आपनी गाड़ी पे मिलो, आओ। वो नहीं आता भाई, आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ। हम नहीं जा रहे, ओडे पीछू ब्याह बैठे ओडे। चलो चलो आ सब, हम चले, हम जा रहे हैं हसन, हम जा रहे हैं। बाय 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 बाय, वेने पे उसा। वो देखें आप, भाई और अहमद भाई ने झप्पी डाली हुई, तो कह रहे थे ये झप्पी डाली हुई, आप खुद डाल रही है। माशाल्लाह जी अभी गाड़ी जो है वो रवाना हो चुकी है, हसन जाने भी इसके अंदर चला गया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, तबीयत सेहत कैसे है, आप कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम प्यारे और देखने वाले सबको, मेरा सलाम हो गया। अकरम भाई आपको भी सलाम हो गया। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। हमारे चैनल पर जरूर विजिट करना है, देखने वाले जो भी हैं महानूर फैमिली व्लॉग, क्योंकि हमने जो है ना काम से नाम ही चेंज कर दिया। अच्छा, और नेम रख लिया? और नेम चेंज कर दिया। और इधर जी बन रहा है नाश्ता, ये सब शादी कंप्लीट हो चुकी है, जो मेहमान बचे हुए थे ना वो फिर हमारी तरफ हैं। हाँ सही है, तो उनके लिए नाश्ता बना रहे हैं, फिर बोलते हैं कि हम सब ने घर जाना है, तो कोई जा रहे हैं, कोई अभी तैयारी बना रहे हैं, कोई इसको क्या होगा? क्या बोल रहे हैं, ये कोई न्यू बंदा आया होगा, ये जो चोर होते हैं उनको पहचान लेती है। अच्छा वैसे हम जो है ना, हमें भी देख के धार धार करने लगा था, तो आप भी चोर हो सकते हैं। ये तो जो भी बंदा आता है, नहीं हम जब आते हैं नहीं बोलता कुछ भी। आप तब इंटरव्यू में हैं, उस टाइम भी बोला है? नहीं बोला। बोला है, मानो मानो। मैं नहीं मानता, मैंने एक दिन इसको मुक्के लगाए, इसको मुक्के लगाए, धमकियां दी, इन्होंने फिर भी नहीं बोला। उन्होंने कहा आप खुद है इस घर के बंदे हो। हाँ जी, ये है कि मतलब हम ऐसे आते हैं ना, इसको देखते हैं या कोई आवाजें लगाते हैं ना,
इसको पता चल जाता है ये अपने घर के ही हैं जो शोर मचा रहे हैं। हम चुप करके आते हैं इसलिए जो चुप करके ऐसा ऐसा देखेगा इधर देखेगा लगता है कि ये चोर है। डिटेक्टर लगा हुआ है? हाँ, हैवी सेंसर है इसके। ये अच्छी बात है। ऐसे थोड़ा है आप देख रहे हैं भाई यार, देखो इसको देखो। भाई ये थोड़ा अंदर आना। नहीं, उसके लिए बिल्कुल नहीं बोलेगा। वैसे आओ तो सही, एक मिनट के लिए आओ तो सही, अंदर तो टेस्ट कर रहे हैं हम। वो कहता है ना भाई ना, ना भाई ना, अंदर नहीं आना। आओ तो सही, दरवाजा ही बंद कर दिया आपने। चले जी, आप नाश्ता वगैरह बनाए खिलाए, हम जाते हैं आगे, देखते हैं क्या माहौल शोहल जो है वो बन रहे हैं। आज मौसम इस तरह का बना हुआ है, नहाने का दिल नहीं कर रहा। आज बस ऐसे ही था। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। तबीयत सेहत कैसी है? अच्छी है। जबरदस्त है? जबरदस्त। ये मुसाक लगाया था क्या? ये घर में चोरी जाके मुसाक मिल गया हूँ, बात पाक पे होने वाला। आपने नहीं लगाना था मुसाक? मैं कभी नहीं लगाया, चोरियाँ क्या शादी देवे नहीं पे मारता गरीब मरे दीदिया तो मेरे ले हालात भी आ गए। अच्छा, शादी भी कर दिया। और ये ठीक, आप सुनाओ? बेहतर। तबीयत कैसी है? ठीक। जबरदस्त है खुद? दस्त भी आया है एक दो। पहले तो कब्ज थी, अब यहाँ पर जो है जबर भी है, दस्त है। दो दो इकट्ठे आए, दो इकट्ठे आए। आप कैसी हो? तबीयत ठीक है? आपने मुसाक नहीं लगाया? नहीं, फद्दों का नहीं, दांतों को। अच्छा, जैसे लगाया है उन्होंने, आपने ऐसे लगाना था ना? अच्छा, चलो बात तो ना पक्स है। सही किया, चलो टूप ब्रश कर लेना था, टूप ब्रश कर लेना था। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? तबीयत सेहत? नाश्ते का काम हो रहा है? हाँ। आंडे बना रहे हो? आंडे बना रही हूँ, अपना सुना। अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त है। और ढोलू क्या कर रहे हो? ढोलू ये चला रहे हो? आज बजे के बाद ये मैं जो इतनी लेट हो गई है वो पानी की वजह से। पानी हमारा भी पानी खत्म था, लेकिन ये है कि हमारा गुजारा कर गया है। नहीं, वो आपका नल का वगैरह चलता? नहीं, कुछ भी नहीं चलता। वैसे वो टैंकी में पानी खड़ा था हमारा, तो उतनी देर में फिर लाइट भी आ गई, यानी कि हमारा नाश्ते का काम जो है ना वो हो गया। हम ये करते हैं कि शाम को ना वो ज़्यादा नहीं तो 15-20 मिनट हम मोटर चला लेते हैं, यानी कि टैंकी फुल भी ना करें तो इतनी है कर लेते हैं कि रात भी निकल जाएगी सुबह तक, फिर वो इस तरह कर लेते हैं। मैं हमारा नलका हमारा भी ख़त्म है, बस मोटर ही चलती है, लेकिन बस वो हमारा भी कभी कभी ऐसे ही। वैसे शादी का काम था, मेहमान वगैरह काफ़ी थे, कल मैंने तकरीबन कोई 4 बजे मेरी तैयारी हुई है। मैं बस ऐसे सूट बस पहन लिया था और कुछ नहीं किया था, टाइम भी नहीं होता मेहमान को टाइम देना होता है। आपको पता है शादी का कितनी काम होता है, इधर देखो खाना खिलाओ, फिर भी लोग आते हैं, सबकी वीडियो बनवाओ। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा खासा जो भी हुआ, अच्छा वक्त अच्छा गुजर गया, अच्छा गुजर गया। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, कोई ऐसा बड़ी परेशानी नहीं आई। तो चले बनाए आप। हाँ। मैंने कहा चक्कर वगैरह लगाए। ओए, आप तो कह रहे थे मैं जा रहा हूँ, अभी तक यहाँ घूम रहे हो? यार मैं ढूंढ रहा हूँ, आप ही पता नहीं कहाँ चले गए। कौन? मेरी बैग भी बाहर रेडी खड़ी है। आप भी इधर से हो गए उधर चली गई?
वो तो आगे जा रही थी उधर, पर किसके घर जा रही थी? इधर हाँ, वो आपको ढूंढ रही होगी। आपको सुल्तान भी था और वो भी थी, इधर जा रहे। हाँ, फिर सुल्तान तो भी वापस आ गया, वो पता नहीं कहाँ गई। मैं वो इधर चलें जी, अभी इधर जो है ना बन रहे हैं नाश्ता वगैरह, और हमने तो नाश्ता वगैरह कर लिया था। और जैसे आपने सुना भाभी की बातें, वो कह रहे थे कि पानी का, क्योंकि लाइट जो है ना वो नहीं थी, तो मोटर वगैरह, और इधर से धुंध भी थी, और हमारा वो जो सोलर वाला सिस्टम है वो भी नहीं चल रहा था, तो इस वजह से जो है ना मिस्टेक हो गई सारी। लेकिन अभी तक काम वगैरह हो रहा है, ये देखें झाड़ू वगैरह ये सारे काम अभी पड़े हैं। ये शादी का काम है, ये हफ्ता जो है ना लग जाएगा, सफाइयाँ करते सेटिंग करते। चला जी, फाइनली घर वापस आ चुका हूँ, और घर की माशाल्लाह सफाई वगैरह जो है हो रही है। लाइट चली हुई, पंखा चल रहा था लेकिन लाइट जो है वो चली गई है, क्योंकि हमने ये पोछा वगैरह लगाया है ना, मैंने कहा यह सूख जाएगा। और इस कमरे की भी हो चुकी है सफाई, इस कमरे की भी सफाई हो चुकी है, और इधर सोलर वाला पंखा लगाना पड़ेगा, लेकिन ऊपर धूप नहीं है तो सोलर वाला कैसे चलेगा। उसके बाद बहर जो है, बहर सैंड की भी माशाल्लाह ये देखें सफाई वगैरह ओके हो चुकी है। और अभी जो है ना मैंने उठानी है गंदम, गंदम उठाने के बाद जो है ना वो लेकर जानी है चक्की पे, क्योंकि आटा जो है वो हमारा ख़त्म हो गया है, तो दाने पे किधर कहीं कहाँ जाना है? दाने सटने, दाने गंदम होती है, गंदम डालने, गंदम डालने। आपका काम ही नहीं है गंदम डालना? डालना आता है। आता है तो फिर डाल के आओ, मैं नहीं जाता, आप डाल के आओ। तुम डाल के आओ। फिर मैं जा रहा हूँ, आप नहीं जाओ। मैं भी जाऊँगा। चलें जी, अभी बोरा उठाते हैं और फिर गंदम डाल के चलें। हाँ चलते हैं, देखते हैं कि क्या उनकी कंडीशन बनती है दुल्हन की, हैं? उनको जाके सामान जो हमने देना है ना वो उनको सामान देते हैं, और आप कैमरा उठाएं, सामान मैं उठाता हूँ। चलो सही है, तो उधर चलते हैं फिर उनकी वो देखते हैं क्या होती है, स्मेल देखते हैं, स्मेल होती है, स्माइल होती है, स्मेल होती है, हाँ वो देखते हैं आती है कि नहीं आती है। चलें जी, देखते हैं के कितनी खुश होती है कि मामू जो भी सामान है फिर उधर जाके उनको दिखाएंगे ना, फिर वीडियो में भी आ जाएगा। हाँ जी, ठीक है ना, अभी इसको छुपाता हूँ इधर। चलें जी, अभी हम चलते हैं, बारह बहुत है, आ जाइए। चले चले चले, चलते जाओ चलते जाओ। अभी जी जा रहे हैं दुल्हन वालों के घर, और ये जाके उनको देंगे, क्योंकि हमने उनको जो है ना गिफ्ट नहीं दिया था, तो आज जाके हम उनको गिफ्ट देंगे अपनी तरफ से। अहमद भाई गाड़ी निकाल के जा रहे हैं, लगता है शहर की तरफ जा रहे हैं। जैन भी साथ है और अहमद भाई भी। चले 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 चले, हम घर छोड़ के जा रहे हैं। यार मैं मानता हूँ, उन्होंने कहा कि हम अभी आ गए, आप निकलो, हमने फिर अपना बिस्तर उठाया जा रहे। कोई मसला नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, चलो चलो। नहीं यार नहीं है, बस हमने कहा कि हम अब हमें बिस्तर उठाने दो, क्योंकि सर्दियां हैं, कहीं जाकर सोए अपना बिस्तर तो सो सकते हैं ना। अब कहाँ जाने का इरादा है? अभी तो फिलहाल इधर जाते हैं, भाई के घर जाते हैं। अगर वो हमें जगह दे देते हैं तो यही रह लेंगे, नहीं तो कहीं और जगह। और जगह वो देगो, कैसे करें? नहीं तो बाकी अल्लाह पाक की जमीन तो है, वहाँ भी मिल जाएगी जगह, जहाँ दिल करेगा वहीं सो जाएंगे। आ जाए, आ जाए। चले, हेलो, आ जाए। मुसाफिर है यार, हमने एक रात रहना है आपके घर, रहने दोगे? हमने कहा कि भाई से पूछते हैं, अगर हमें यहाँ रहने देते हैं तो हम अपने बिस्तर पूरे यहीं पर रख ले। असल में ना मैं आपकी कंडीशन देख रहा हूँ, जो मुझे दिख रही है वो ये है कि बिस्तर तो आपके पास है, लेकिन मंचा नहीं है आपके पास। वो मंचा साथ ले आते हैं,
नहीं नीचे भी सो जाएंगे। हाँ वो चटाई बिछी हुई है उस चटाई पे बिस्तर के वहाँ पे अपना गुजारा करें सो जाएं। बाकी खाने पीने को आपके पास पैसे भी हैं या नहीं? नहीं वो तो फिर करेंगे होंगे ये तो। अच्छा हमने सिर्फ रहने के लिए। अगर अगर खाना दे दोगे तो सही है नहीं तो बिस्तरा वगैरह इन्होंने उठाया हुआ है और जो है भाई इधर रहने दो। हम कह रहे हैं हमें रहने दो क्योंकि हमारे घर में मेहमान आए उन्होंने हमें निकाल दिया है। बोलते हैं कि अब हमने सोना है हमारे घर बंदी है इनकी जगह बनती है तो रहने दो नहीं तो फिर आगे चले। मैं तो पूछ रहा था कि मंजा साथ में लाते हैं। उन्होंने कहा कि चलो हम नीचे ही गुजारा कर लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है फिर खाना पीना भी अपना कर लेना मैंने कर लेना ये चीज़ ठीक है चलो। एक औरत आगे काम ऐसे खुश नहीं हो काम कराने वाली मैं नहीं हूँ। रोटी जो है ना मुझे खाना पीना वो भी मुझे खुद बना के देगी क्योंकि ये खुद मेरी कंडीशन जानती है। काम खराब हो गया तो फिक्का फैसला हो चुका है। वो कह रहे हैं कि अब है जिस काम की नहीं है काम करवाने का घर ठहराने का क्या फायदा। वो जो काम नहीं करती वो अगर काम करती तो तब रहने देते अगर अब नहीं कर सकती कहाँ। आजकल हर कोई जो है ना मतलब तक है। वो कहते हैं बस काम अगर करे बर्तन धोए खाना बनाए फिर रहने देंगे क्योंकि हमारे हमें भी टाइम पे खाना मिल जाए। बहुत है चलो 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 आगे चलते हैं। चलो जी चलो किधर जा रहे हो यार जा रहे हैं आगे जा रहे हैं वो चार ये बिस्तर तो रखने दो रखने दो ना दो मिनट तो रखने दो बाद में बात करते रखने। अब क्या है रहने देते हैं कि नहीं रहने देते? भाभी ने तो कहा है कि नहीं रहने देते लेकिन आप अपने भतीजी और भतीजे और भांजी से पूछ ले। हाँ जी हम इधर आए हमें घर से निकाल दिया है उधर मेहमान है काफी ज्यादा। उन्होंने कहा कि आप निकल जाओ हमारे घर से तो हमने बिस्तर उठाया और सामान वगैरह उठाया। हमने कहा सर्दी का मौसम है कहीं पर भी सोने की जगह मिल जाएगी तो आपका फिर क्या राय है? मेरी तरफ से तो ओके है रह सकते हैं। और आपसे जो है दुल्हन साहब से पूछे हाँ कैसे है? ठीक है रह ले फायदा महसूस हो रहा है। तो ये जी हमने तो वैसे शुगर मजाक किया था और कुछ वैसे मामू आप फायदा हमें बता सकते हैं इसमें है? हाँ वो ही फायदा भी बताने जा रहा हूँ ना फायदा ये बताने जा रहा हूँ कि आपको पता है कि मैं कोई रेंट पर तो नहीं बैठा कि मुझे घर से निकाल दे कोई। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर है और कुछ सामान था जो कि आपको गिफ्ट करना था हमने। तो ये गिफ्ट क्या क्या चीज़ें हैं वो भी अभी हम दिखाते हैं और देखने वाले भी देख लेंगे कि भांजी को मामू ने क्या गिफ्ट किया है। तो बाकी तो कल वाली वीडियो ने उन्हें देखा होगा सब बहन भाइयों ने कि जो भी हिसाब था वो तो चला गया। अभी आप उठें और एक एक चीज़ करके उधर बेड के ऊपर रखती जाएं और हम दिखाते जाएंगे। अभी जी इधर से बिस्मिल्लाह करती हैं सबसे पहले ऐसे ऐसे रखो और एक एक चीज़ जो है ना ऐसे रखती जाओ और फिर देखते हैं कि पसंद आते हैं नहीं आते। हमने इसकी मामा से पूछा था कि आपको क्यों सी चीज की जरूरत है हाँ। तब हम खरीद के दे दें तो उन्होंने कहा था कि आपने जो है ना बिस्तरा बनाना है तो ये आ गया तकिया और मैंने कहा चादर लेते नहीं है चादर के साथ में ये ले लेते हैं कंबल यानी कि ये गर्मियों के लिए यूज हो सकता है या बेड के ऊपर भी बिछा सकते हैं। और ये जो है ना आपका सूट और ये जो है ना आपकी रजाई यस करने में कितना फायदा हो गया। ये चीजें जो है ना हमारी तरफ से गिफ्ट है आप लोग कबूल करें और हमें जो कहा गया हमने वो चीज हाँ क्योंकि मैंने सिस्टर से पूछा था उन्होंने कहा हमने बाकी सामान तो काफी हो चुके हैं जैसे बक्से है कोई वो जूसर मशीन है पंखे हैं वो सब कुछ जो है तकरीबन उन्होंने कहा ओके है। उन्होंने कहा अगर आपकी फुर्सत बनती है आप कोई चीज़ देना चाहते हैं तो आप ऐसे करें जैसे सर्दियां आ रही हैं आप ना एक बिस्तरा बना दें। फिर हम शहर गए उधर से रजाई वगैरह जो सामान लेना था उधर फिर मैंने कहा बिस्तरा कोई खेस या कोई चीज़ और ले चादर वगैरह उससे खत्म हो जाता है खराब हो जाता है ठंडे हो जाते हैं मतलब
मतलब सर्दियों में अगर बिछा दे तो वो ये ना ये आपने जबरदस्त हाँ और वो इसलिए हमने कंबल लिया है ताकि जैसे थोड़ी बहुत ठंड होती है ना उसमें ऊपर से पहन सकते हैं और वो ना काफ़ी नरम है इसके इस तरह का ना मैंने उधर जब देखा तो मैंने दो लिए थे यानी कि एक ये लिए लिया अभी देखे कैसा है तो एक मैंने अपने लिए ले लिया था ये गरम बहुत ज़्यादा होते हैं मैं अभी ये इसके साथ का जो लेकर आई हूँ मैं खुद पहनती हूँ अभी मतलब तो इस वजह से मैंने कहा कि बिस्तर जो है ना वैसे चादर होती है रजाई होती है तकिया वगैरह होता है तो उससे बेहतर है कि साथ में ये कंबल दे देते हैं ताकि अच्छा भी रहेगा और अच्छे दिन जो है ना ये निकल जाएगा यानी कि साल दो साल इसके साथ हाँ तो अभी पूछते हैं भांजी से कैसा लगा फिर मामू का गिफ्ट सही है आपको पसंद है माशाल्लाह जी नहीं मजाक तो पहले हो गया था ना तो बाकी जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हाँ ये गिफ्ट था जो कि हमने देना था तो मैंने कहा कल हो सकता है फिर ये चले जाएं दावत वगैरह के लिए इधर उधर फिर आपको पता है फिर इंसान ज़्यादा लेट कर देना फिर देखने वाले भी सोचेंगे कि लगता है पहले इन्होंने नहीं खरीदा था अभी खरीद के आए हैं लेकिन ये पहले खरीद के रखे हुए थे और मैंने कॉल करने की सोच रहा था भी उधर कॉल करता हूँ कि उधर पहुँचाना है तो उधर पहुँचाएंगे फिर मैंने सोचा जब सामान सारा इधर आना है उधर लेके जाने का फ़ायदा नहीं है हाँ तो मैंने कहा इधर ही जब आएंगे तो इधर ही दे देंगे हाँ फिर भी किराया भर के ले आना था ना सामान वगैरह तो इस वीडियो को भी हम यहीं पर एंड करते हैं उम्मीद करते हैं तमाम बहन भाइयों को पसंद आएगी अगर पसंद आए वीडियो को शेयर लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।